उसको महसूस करने का चीज होता है। आप थोड़ा फील कीजिएगा, सुने की बात नहीं करेंगे, सुनिएगा बात उसको। तो सबके अंदर में आप एक चीज देखिए, कोई भी काम हम लोग करने जाते हैं तो मन में दो विचार आते हैं, हमेशा मन में दो विचार आती है, एक कि नहीं यह काम करना चाहिए, अच्छा काम है, हाँ परिस्थिति बस उसका किसी कारण बस वो काम छूट जाता है या समय नहीं रहने के कारण मान लीजिए उससे हम लोग चूक जाते हैं, लेकिन मन में यह विचार हमेशा आती है जो गलत काम है वो गलत है, जो सही है सही है, वो आप भी जान रहे होते हैं और वही बात आपको शिक्षक भी बताते हैं। आप जान रहे होते हैं कि आप जब मूवी देखने जाते हैं या आप जब बिना मतलब का कोई काम में दोस्त के साथ घूमने जाते हैं तो आपके मन में एक विचार आता है कि नहीं पेरेंट्स का मेरे ऊपर इतना दिया गया है कर्ज, अभी आप पैसा मिल रहा है घर से, आपको समय मिल रहा है, यह समय बार बार नहीं आएगा, इस बात को आप भी जान रहे हैं कि हम यह काम गलत कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं या दोस्त के साथ समय गलत कर रहे हैं, यूज़ गलत कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जब आप देखिएगा तो शिक्षक की जरूरत नहीं है, अनुशासन की जरूरत है, जो खुद में आपको होना पड़ेगा, खुद में डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और जब आप खुद में डिसिप्लिन हो जाएंगे तो वह एक आभा मंडल बोला जाता है, उस वर्ड के लिए आता है हिंदी टर्म आता है आभा मंडल, वो आभा मंडल जिसको इंग्लिश में एक्सप्रेशन बोलते हैं, वो आभा मंडल पे आपका दिख जाएगा, जिसको संतुष्टि बोलते हैं, जब आप अपने कर्म को, जब आप अपने कर्म को जो सोचे हैं, जो आपका ड्रीम का प्रोजेक्ट होगा, जो मान लीजिए अभी पढ़ना है तो जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर जब आप मेहनत करते हैं तो आपको संतुष्टि मिलती है और आपका जो एक्सप्रेशन होता है वह संतुष्ट हो जाता है। इसके लिए जरूरी होगा उस शिक्षक को जगाना जो आपके अंदर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये नहीं कहते थे कि किसी शिक्षक का सम्मान नहीं करो या करो, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करते थे, वो एक आदर्श शब्द के बारे में बात करते थे कि शिक्षक शब्द अनुशासित है, उस अनुशासन के बारे में बात किया गया कि हाँ ये बात सही है। अभी बहुत लोग बोले कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षक का है भूमिका, सब चीज़ सही है, लेकिन आप देखेंगे कैलाश सत्यार्थी या मलाला यूसुफ को जिनको शांति नोबेल पुरस्कार मिला, उनका नारा देखेगा मलाला यूसुफ का तो कहा गया था वन पेन वन चिल्ड्रेन वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड, नहीं बस तीन चीज दुनिया को बदल सकता है, राष्ट्र की बात कहाँ है, वो तो पूरे ग्लोबल लेवल की बात हो रही है। नहीं तो कुल मिला के ये कहना है कि खुशी से रहना चाहिए, हंसी मजाक सब चीज़ बढ़िया है, बढ़िया तो रहना ही चाहिए, नहीं हंसी खुशी से रहे, खुला ओपन विचार रखे हम लोग, लेकिन ओवरऑल सेंटर में जो आपका है डिमांड, जो सेंटर में डिमांड है आपका कि आपको पढ़ना है आफ्टर ऑल, आपका आपका समय कम है, इसके लिए शिक्षक आपके साथ सिर्फ 24 घंटा में एक घंटा रहते हैं। इंग्लिश वाले सर हैं तो अभी आपके जो अभी आपको जो एजुकेशन मिलता है जो मैथ रीजनिंग इंग्लिश का मिल रहा है, 3 घंटा सर हैं, 4 घंटा सर आपके साथ हैं, लेकिन आप जो 20 घंटा घर पे बिताते हैं उसमें जाकर के आप देखिएगा तो आपसे भी टाइम कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। आप भी सोचेगा हम कहाँ कुछ करें, क्लास से आते हैं 6 घंटा ही तो सोते हैं, खाना खाते हैं, समय कहाँ मिल पाता है 4 घंटा ही पढ़ पाते हैं, लेकिन आप बहुत दो काम के बीच में जो समय छोटा छोटा जाता है वह समय जब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो देखिएगा 6 से 8 घंटे का वो टाइम होगा। पढ़ने का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि पेन और पेज लिए बनाना शुरू कर दिए उसी को बोलते हैं पढ़ना, ये नहीं, पढ़ने का मतलब होता है ज्ञान, पढ़ते हैं किस चीज़ के लिए, शब्द के लिए, कि कोई शब्द हमारे पास कलेक्ट हो, नहीं ज्ञान हमारे पास आए, उसके लिए जरूरी होता है क्या चीज़, तो पढ़ना, और पढ़ने का मतलब प्रिंट करना नहीं होता है,